हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट जी का निधन हो गया है। सोनाली फोगाट की सोमवार रात को गांव में अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गई हैं। सोनाली के निधन की खबर सुनकर हर किसी को जोर का झटका लगा है। वह अपने पीछे 15 साल की बेटी को छोड़ गई हैं, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। माँ के निधन के बाद यशोधरा एकदम अनाथ हो गई है। और आपको बता दें कि 2006 में यशोधरा के पति संजय फोगाट की रहस्यमय हालत में उनके फार्म हाउस पर मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी। सोनाली के पति राजनीति में थे। उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद उन्हें मानसिक रोग पर काफ़ी प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी वह डटी रही। पति के जाने के बाद सोनाली ने अपनी बेटी की अकेले ही पर। और अगर वहीं बात करें सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा, फिलहाल अभी 11वीं की कक्षा की स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ वह अपने एक्टिंग करियर पर भी फोकस कर रही हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो उन्होंने वहां पर खुद को एक्ट्रेस बताया हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, फैमिली स्पेशल एक एपिसोड में यशोधरा ने बिग बॉस में एंट्री ली थी और माँ के साथ उनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग दिखी थी। शो से वापस आने के बाद यशोधरा ने एक बातचीत में कहा था, जब माँ ने बिग बॉस 14 में आने का फैसला लिया तो मैं बहुत खुश हुई। और आपको बता दें कि बिग बॉस में जाने से पहले सोनाली का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें वह एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही थी। बता दें कि सोनाली फोगाट एक मशहूर टिकटॉकर स्टार हैं, वहीं कई पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी हैं। सोनाली सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की लीडर सोनाली फोगाट ने पिछले विधानसभा चुनावों में आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और वहीं बाद में जब सोनाली फोगाट बिग बॉस से बाहर आई थी, तब उन्होंने अपनी बेटी और बेटी की पर्सनल लाइफ पर बात की थी। सोनाली ने कहा था कि उनकी बेटी राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन जल्द ही अपना एक्टिंग डेब्यू जरूर करेंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। शुक्रिया हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी सबको। हेलो, नमस्कार। हम लोग सारे हरियाणा के कलाकार फ्लाइट में भी खाना आया है। खाना आने के बाद हर एक का अलग कॉमेडी स्टाइल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी, बहुत ही मज़ा आ रहा है सबके साथ। और सच में हरियाणवी बिंदास होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। मतलब ऐसा कोई फ्लाइट में गंदा है क्या? जिस सालों से हम ट्रैवल करें मैंने कभी नहीं देखा इतना शोर मचाने वाले बिंदास हंसने वाले फ्लाइट के अंदर। ये देखो क्या स्टाइल है इनका, सच में किसी का डर नहीं, कुछ भी। बिंदास हरियाणवी स्टाइल रोटी आने वाली कह रहे लस्सी का गिलास लेके आओ रहे इस तरह के डायलॉग। बिंदु जी क्या चाहिए, खाना मिल गया आपको? बहुत परफेक्ट है जी खाना, और बड़ा अच्छा समझदार है, पूरा हरियाणवी स्टाइल बना के बैठे हैं। जात मुझे लग ही नहीं रहा मैं झाज में बैठी, मुझे लग रहा गांव की चौपाल में बैठी हूँ। अच्छा रोटी दे दी भाई, देख कर मरना पड़ेगा भाई। अरे आप लोगों को खाना वाना मिला कि नहीं? मिल गया मिठा गया कौन कौन है हमारे साथ में? मैं अभिषेक चार, सुरेंद्र जी, राम राम जी, राम राम, रोमियो और बिंदर दनोदा, सोनाली फोगाट, केडी कहाँ गायब हो गया, केडी और इंदु। ये इधर केडी, इधर जाडा, बिंदास। गोली जानी
सुरेंद्र वाले में तो ली थी, मैं बोल रहा हूं मैं ही बोल रहा हूं मैं ले रहा हूं हैं तू क्या के ले रहा है इतना मारेंगे नहीं आप आप राम हो जाएगा गरम से भी आ रहे हैं तेरे यार कौन से ले रहे हो भाई मुझे भी बोर्ड के लाकर पूछो है